दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज जो तीनों पारियों में पेपर आया है आज उसका एनालिसिस करेंगे और आप खुद मिलान कीजिए कि आपने आपके कितने क्वेश्चन राइट है कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। साथ ही अगर आप में से किसी बच्चे की अब सीबीटी एग्ज़ाम बची है यानी कल है या परसों कभी भी है तो वो भी इस पेपर का ज़रूर एनालिसिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब की बार एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि ये अभी मैं जो आपको पेपर करा रहा हूँ ये मार्च का पेपर है। देखो मैं आपको बता देता हूँ ये 19 मार्च का पेपर है और यही पेपर अब तक एग्ज़ाम में बार बार यही पेपर पूछा जा रहा है। इसी कारण मैं इसी पेपर का आपको लगभग एक दो रोज से एनालिसिस करा रहा हूँ। अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप एक एक पेपर का एनालिसिस क्यों करा रहे हो। दोस्तों देखो इसी पर मैं पहले चर्चा करता हूँ, बाद में पेपर कराएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पेपर यहाँ से आ रहा है, अगर मैं आपको दूसरे पेपर का एनालिसिस कराऊंगा तो आप एग्ज़ाम देकर वापस आके बोलोगे कि सर आपने जो बताया वो आया तो नहीं एग्ज़ाम में। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपको मैं इस पेपर का एनालिसिस इसलिए करा रहा हूँ कि आप एक बार नहीं इसका 3 या 4 बार एनालिसिस करके जाओ और पूरा पेपर यहीं से आएगा। अगर यहाँ से पेपर नहीं आता तो आप फिर मुझे बताओ एग्ज़ाम देकर या दूसरे बंदे की आपके साथ के उसके एग्ज़ाम है फिर बताओ कि सर एक पेपर आया या नहीं आया। इसके अलावा अगर आपको ये पेपर आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है तो आप, मैंने ITI CBT एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहां पर हजारों बच्चे हैं जो आपस में डिस्कशन करते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आए, तो आप वहां से बच्चों से राय कर सकते हो। साथ ही आप डिस्कशन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि हमारे बता रहे जो पेपर वो क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे। इसके अलावा आपको मैंने निम्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी डाल रखे हैं, फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड ईयर की, साथ ही इंप्लीमेंटेशन की हो या आपके वर्कशॉप क्वेश्चन। इसके अलावा आप किसी भी ट्रेड से हो तो मैं हर ट्रेड से लगभग ज़्यादा नहीं, हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको 350 PDF फाइल मिल जाएगी जो हर ट्रेड के पेपर है, हर ट्रेड के नेम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज अवेलेबल है। तो आपको हम जितना हो सका उतनी पूरी हेल्प कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि सर यही पेपर का एनालिसिस क्यों, हमारा रीज़न यही है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को पास कराना चाहते हैं। और आपको भी पता है कि अब तक जो एग्ज़ाम हुई है उसमें हमने जो पेपरों का एनालिसिस कराया वो 90% पेपर आ रहे हैं। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि इस हमारे चैनल के लिंक को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करो जिससे उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिले। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें, ज़्यादा वक्त खराब न करें। और इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आओ, वहाँ पर अपने डाउट क्लियर करो, चैटिंग करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है अग्नि का संबंध क्या है। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में तीनों पारियों हुआ है, तो अग्नि का संबंध क्या है दोस्तों, उसका है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, पहले का राइट आंसर डी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था BIS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आएगा राइट आंसर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टडीज, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है इस औजार का क्या उपयोग है, तो दोस्तों इसका उपयोग है लकड़ी से कीले निकालना। अगला क्वेश्चन है शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है, दोस्तों वो आपका वर्ग का स्टेक। दोस्तों ये पेपर आपका ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन का है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किए जाते हैं, दोस्तों वो आपके वर्गाकार स्टेक आते हैं। अगला क्वेश्चन है जस्ती शीट पाइप जोड़ में अक्ष के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम आपका समांतर फीमेल थ्रेड। अगला क्वेश्चन है मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, तो दोस्तों इसका उपयोग है लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, दोस्तों इसका विधि है सोल्डरिंग गन। अगला क्वेश्चन है SWG से तार का आकार मापने की प्रेस क्या होती है, दोस्तों वो 0 से 36 SWG होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है, दोस्तों वो फेज चालक से आधा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है, यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 13 एम्पीयर। ये क्वेश्चन आज हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों अगला है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोस्तों वो होते हैं 18। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियों कौन सी है, दोस्तों वो होती है आपकी धारा वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, दोस्तों वो करता है ताप गुणांक। अगला क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, दोस्तों इसका वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है संधारित्रता की इकाई क्या है, दोस्तों वो होती है आपकी फेरेड।
अगला क्वेश्चन है, बी एच वक्र में अक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। दोस्तों उसका नाम है कोएसिविटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो इसका पारस्परिक है दोस्तों सस्पेटेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थिर एगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? दोस्तों वो होता है फेसर परिमाण। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? दोस्तों एसी एक फेज में 90 डिग्री होता है, टू फेज में 180 डिग्री होता है, और थ्री फेज में 120 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों वो होता है 2.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? दोस्तों वो एम्पियर घंटे में बताई जाती है। विद्युत आवेग की इकाई वोल्ट है, पावर की इकाई वाट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आविष्कार है? दोस्तों वो ट्रिकल चार्जिंग होती है, यानी कम मान विद्युत द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग करते हैं, तथा कम समय में अधिक मान की विद्युत द्वारा देकर चार्ज करना वो आपकी बूस्ट चार्जिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित ठंडा बोलने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? दोस्तों वो होता है आपका 25 mm। अगला है, ECC का विस्तार रूप क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? दोस्तों राइट आंसर आएगा 2। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम पृथ्वी नियंत्रण कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? दोस्तों वो होता है 1.5 वर्ग mm। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों वो करता है विभव पाथ विधि। अगला क्वेश्चन है, IE यानी इंडियन अर्थिंग नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? दोस्तों वो होता है 3000 वाट। अगर आपको लाइट के लिए पूछे तो दोस्तों वो होता है आपका 800 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमत्कार प्रभाव को क्या कहते हैं? दोस्तों जी कहते हैं हम चमत्कार तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? दोस्तों ये होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वाटमीटर है? दोस्तों वो होता है 2 अवयव 3 कला वाटमीटर, यानी बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंत्र का नाम क्या है? दोस्तों ये आपका एब्सोल्यूट उपकरण, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? दोस्तों वो होती है ओम प्रति वोल्ट, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा बल एक संकेत उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा विचलन बल। अगला क्वेश्चन है, सर्किट का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? दोस्तों राइट आंसर आएगा 3.2 वोल्ट AC। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर आएगा इसका बुकोलोज रिले। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो आती है आपकी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट। दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थ्रेड थ्योरी के हो चुके हैं। अब आगे आपके इंप्लीमेंटेड स्किल और कैलकुलेशन साइंस के 40 क्वेश्चन है, वो अगले पेपर के रहेंगे, आज वाला पेपर के लिए करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना प्लीज़ दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।